नमस्ते, मैं लक्ष्मी शर्मा खबर लहरिया से। आइए आज 8 नवंबर की दिनभर की मुख्य खबरें सुनते हैं। फैजाबाद में उपद्रवियों ने शिवलिंग और उसके चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कहा, दिवाली की रात शराबियों की हरकत है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस शिवलिंग की स्थापना करवा रही है। फैजाबाद के ही बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के कुरेभारी गाँव में गुरुवार सुबह बंटवारे के विवाद को लेकर दो भाइयों के परिजनों के बीच लाठी डंडा और धारदार हथियार से जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष का छप्पर भी जला दिया गया। दोनों तरफ से कई महिलाओं सहित 10 लोग जख्मी हो गए हैं। चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के बड़ी मड़ैयन में गुरुवार की रात अज्ञात कारणों से लगी कच्चे घर में आग। गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ राख। जिला वाराणसी ब्लॉक चीरगांव थाना सारनाथ का घेराव, जिसमें की सैकड़ों लोग रोड जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ के सरधना क्षेत्र के मिलक गांव में एक शरारती अधेड़ ने 3 साल की मासूम बच्ची के मुंह में बुलेट बम रखकर फोड़ दिया, जिस कारण मासूम बच्ची के मुंह के चिथड़े उड़ गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इंदौर की विधानसभा सीटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में भारी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने तो इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें इंदौर 1, इंदौर 3, इंदौर 4, राहु, महू, देवपालपुर और सांवरे पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन भाजपा तो अब तक इंदौर में एक भी नाम तय नहीं कर पाई है। दिल्ली में दिवाली की रात से हवा खतरनाक हो गई है। चारों ओर धुंध देखी जा रही है। गुरुवार को जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के मौके पर बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की तबाही वाले इस कदम का असर अब स्पष्ट हो चुका है तथा देश की हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ। अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा की कुल 435 सीटों में से 218 के बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 245 के करीब सीटें जीती हैं। अमिताभ बच्चन और आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज रिलीज हो गई है। सिनेमाघरों की स्क्रीनिंग के हिसाब से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। दुनिया में इसे 7,000 स्क्रीनिंग पर रिलीज किया गया है। ये थी आज के दिन भर की मुख्य खबरें। कल के दिन भर की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।